वेलकम टू दिस चैनल माय डियर फ्रेंड्स। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का इजाजत दे दिया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और राम मंदिर बनना स्टार्ट हो गया और फाइनली 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। लेकिन विवादित ढांचे को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने का सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लड़ाई में ही लगा दिया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सोच कर देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। आज के 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल राम मंदिर का हक पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटते काटते बिता दिए। आज वो सब हमारे बीच नहीं है और वे लोग ये दिन देख भी नहीं पाए, लेकिन एक हम और आप हैं जो अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम का मंदिर देख रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो अपने जीते जी प्रभु श्री राम को 500 साल बाद अपने घर लौटते देख रहे हैं। और प्रभु श्री राम का घर जिसे बाबर ने आज के 492 साल पहले 1528 में गिरवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के 500 साल पुराने संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है। तो चलिए समझते हैं राम मंदिर की इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अयोध्या नगरी को प्रभु श्री राम के पूर्वज सूर्यपुत्र विवस्वान के बेटे वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। तभी से यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा। कई पीढ़ियों के बाद अयोध्या में राम राज आया, लेकिन प्रभु श्री राम को जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई। लेकिन एक बार फिर से प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और कुश के बाद अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा। अयोध्या के अंतिम राजा महाराज बृहद्बल थे। महाराज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, जिसके बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गई। आपको बताते चले कि जब कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था तब उन्होंने अपने पिता प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर श्री राम का एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया था और इसके साथ साथ अयोध्या में अलग अलग जगहों पर लगभग 3000 मंदिर सीताराम जी के। लेकिन महाराज बृहद्बल के मृत्यु के बाद अयोध्या कई सालों तक ऐसी ही पड़ी रही। पौराणिक कथाओं के अनुसार ईसा के 100 वर्ष पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अयोध्या पहुँचे तो उन्हें कुछ योगी और संतों से पता चला कि यह प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। ये बात जानकर सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या का फिर से निर्माण कराया। सम्राट विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। 1100 बीसी में कन्नौज के राजा जयचंद ने भी इस मंदिर की मरम्मत कराई, लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद राजा जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत में मुगलों का आक्रमण हो गया। मुगलों ने काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक भी वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में असफल रहे। सिकंदर लोदी के शासनकाल तक भी ये मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक भारत में मुगलों का अधिकार हो गया और इसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिर में 1528 में राम मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई भी इस मुद्दे को लेकर बात नहीं करता। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासक की जड़ें गहरी हो चुकी थी। फिर साल 1770 में जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जमीन उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह की क्या मायने हैं, क्या आस्था है। जय सिंह का उस समय मुगलों से संबंध भी ठीक, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन वे मस्जिद के बाहर राम चौतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाए। ये वो समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चौतरे पर पूजा किया करते थे। लेकिन मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। वैसे तो अयोध्या में भगवान श्री राम के कई मंदिर थे, लेकिन वो ये बात नहीं भुला सके कि श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद साल 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटगो मेरी मॉर्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। साल 1853 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई, लेकिन फिर भी
सन 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। इसके बाद साल 1885 में ये मामला पहली बार अदालत पहुंचा। उस वक्त चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी की, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे हुए और इस दौरान बाबरी मस्जिद टूट जाती है, जिसे फिर बनवा दिया जाता है, लेकिन वहाँ नमाज बंद नहीं होती। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त कोई बीजेपी या कांग्रेस नहीं था, लेकिन देश की जनता जो राम मंदिर टूटने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, वो भी तब जब ना देश में अपनी सरकार थी, ना मीडिया आजाद था और ना ही कोई धार्मिक संगठनों की रजामंदी। लेकिन आम राम भक्तों ने प्रभु श्री राम की हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच आता है साल 1947 जब देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होते ही लोग ये मानने लगे कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन उस वक्त के नेता राम मंदिर को लेकर इतना सीरियस थे ही नहीं, बल्कि वो देश के विकास के बारे में बात करते थे। इसके बाद 30 दिसंबर साल 1949 को सुबह सुबह मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। पता चलता है कि वहाँ श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि श्री राम की मूर्ति यहाँ पर अपने आप आई है और मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि ये मूर्ति रात के अंधेरे में जबरदस्ती रखी गई है। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहाँ पर जुटने लगते हैं। ये मामला इतना गंभीर हो जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, लेकिन के नायर हाथ खड़ा कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाए। लेकिन कुछ दिन बाद के नायर को एक और लेटर आता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं और सरकार को यह सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहाँ पर एक जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू जी को ये बात पसंद आती है और वे ऐसा ही करते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसके बाद साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल करके रामलला की पूजा अर्चना करने की मांग की। इसके अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्त बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते रहे, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने पर चीजें बदलने लगती हैं। ये वो समय था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होने वाला था उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को करीब 2,00,000 कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। 6 दिसंबर को दोपहर 1:55 पर कार सेवकों ने एक गुंबद गिरा दिया। फिर 1.5 घंटे बाद दोपहर 3:30 के करीब कार सेवकों ने दूसरा गुंबद भी गिरा दिया और शाम 5:00 तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के करीब 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उस वक्त के राष्ट्रपति कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में करीब 1,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही, लेकिन 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर फिर से जागृत हो गए। सबसे पहले तो देश भर में चल रहे मामले को एक जगह लाया गया। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले को जांच करने के लिए कहा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पर पहले क्या था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई है उसके नीचे मिले अवशेषों से यह पता चलता है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। एएसआई के रिपोर्ट के बेस पर ही अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी वक्त बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा में बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन यह तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में यह केस 7 सालों तक चलता रहा। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट भूमि को दे दी जाए। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होता है और राम मंदिर बनना स्टार्ट होता है और आज राम मंदिर बनकर तैयार है और हम सभी राम भक्त वहाँ पर दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सभी को पता लग सके कि राम मंदिर की यह लड़ाई कितनी पुरानी है, ताकि हम ये जान सके
कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने में साल दो साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल भी लग सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।